हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम साइंस के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम साइंस का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो बेसिकली टेक अ लुक एट द डिफरेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू, कि आपके आसपास जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें देखें और ऑब्जर्व करें कि उनके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जो आयरन होता है, टाइम के साथ साथ जो उसका कलर होता है वो कैसा हो जाता है? That is reddish brown. So, जो आयरन का जो कलर होता है that is reddish brown. अब जो reddish brown कलर किस वजह से होता है? Due to corrosion. और जो सुना भी होगा जिसे हम क्या कहते हैं, that is known as rusting of iron. अगर another example देखें, third one is बर्निंग ऑफ वुड। सो इन तीनों, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इसमें क्या हो रहा है? प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो आयरन है उसका जो कलर है वो टाइम के साथ साथ कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। किस वजह से? कोरोजन की वजह से, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है तीनों, इनके अंदर क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि इनके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन का। इसका रिजल्ट है वो केमिकल रिएक्शन का। तो इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा हो, फॉर्म हो रहा हो, जिसे हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अगर अनदर डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन it will form water. जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहे हैं? वॉटर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दो सब्सटेंस कौन कौन से हैं यहाँ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब दो अलग अलग सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। सो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? दैट इज रिएक्टेंट।
और जो वॉटर है, जो वॉटर फॉर्म हुआ है जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और वॉटर का फॉर्मेशन हुआ, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, दैट इज प्रोडक्ट। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, केमिकल रिएक्शन। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किसका चेंज है, मतलब रिजल्ट किसका है, बेसिकली फिजिकल चेंज का है या फिर केमिकल चेंज का है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बेसिकली होते क्या है। तो फिजिकल चेंज बेसिक कह सकते हैं कि एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो रहा हो, और जो चेंज कैसा हो, रिवर्सिबल हो, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और ये कैसा चेंज होता है, ये रिवर्सिबल होता है, जैसे व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। एग्जांपल, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। अब ये फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आइस का भी और वाटर का भी, दैट इज H2O। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और ये चेंज कैसा होता है, दैट इज इरिवर्सिबल। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें, अगर इसमें एग्जांपल की बात करें, व्हेन अ पेपर इज बर्न, अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो वो किस क्या फॉर्म होता है उससे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन अ पेपर इज बर्न इट टर्न इनटू अ कार्बन। तो यहीं से क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या था, कि केमिकल रिएक्शन मींस कि न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म होना, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल है। सो केमिकल रिएक्शन किसका रिजल्ट है, क्लियरली यहां से प्रूव होता है कि जो केमिकल रिएक्शन किसका रिजल्ट है, वो केमिकल चेंज का रिजल्ट है। सो आंसर इज केमिकल चेंज। So we can say that कि it occur because of chemical changes, कि chemical reaction किस वजह से हो रही है, because of chemical changes। Because of chemical changes। I hope आपको chemical reaction होती क्या है वो यहां तक clear हो गया होगा। I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि basically chemical reaction होती क्या है। अब एक और क्वेश्चन होता है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो केमिकल चेंज किस वजह से होता है, या तो क्या होगा, कलर में चेंज होगा, स्टेट में चेंजेस आएंगे, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक सिंपलर कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक हायर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से ही, एज अ नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या होगा, डबल
कैटायन और एनायन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लास्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक एक करके हम अपनी सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी चीज, किसी चीज को कंबाइन करके किसी नई चीज का फॉर्मेशन होना। तो डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली टू और मोर सब्सटेंसेस react to form new product is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम। प्रोडक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइन। सो इसमें क्या होता है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, तो इट विल फॉर्म CaOH2। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इन दिस केस जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और वॉटर है, वो दोनों क्या है, वो दोनों है रिएक्टेंट। जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। आई थिंक ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। सो इन दिस केस कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और इनसे क्या फॉर्म हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ इनसे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा प्रोडक्ट है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट। सो इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। सो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। अगर हम बात करें स्लेक्ड लाइम की, तो स्लेक्ड लाइम कब फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म स्लेक्ड लाइम। सो ये जो अबव रिएक्शन है, जो रिएक्शन है इसमें क्या फॉर्म हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ, एक कैसा सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। Aqueous solution of slaked lime.
सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, लेकिन कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं. और हमने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखा वो देखा प्रोडक्शन ऑफ स्लेक लाइम. तो स्लेक लाइम का प्रोडक्शन कैसे होगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम. और जब ये वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा प्रोडक्ट है? एक सिंगल प्रोडक्ट है. और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. और ये कैसा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम. और जो कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जब ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में. व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है वो होती है एयर में, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस H2O, दैट इज CaCO3 प्लस H2O. सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में यूज होता है? इट इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कब फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग. की व्हाइट वॉशिंग के 2 to 3 days बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? फॉर्म होता है. तो CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो अब हम अनदर एग्जांपल की बात करें. सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल. सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल. सो इन दिस केस कोल बर्न इन ऑक्सीजन. कोल बर्न इन ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो हमारा कोल है वो कैसा होगा? हमारा सॉलिड होगा. प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है. एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. तो अगेन इसमें क्या है हमारे? फिर से दो रिएक्टेंट है, और दो रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. और ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. थर्ड एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. इन दिस केस हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वॉटर. अगेन इसमें भी क्या है? इसमें फिर से दो रिएक्टेंट है. दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. अगेन ये किसका एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आई होगी. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट, अब नया प्रोडक्ट मींस कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. जो हमने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था वो था प्रोडक्शन ऑफ स्लेक लाइम. नेक्स्ट एग्जाम्पल था बर्निंग ऑफ कोल. उसमें भी दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे. सेम इस केस में भी क्या है? दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. दो रिएक्टेंट मींस बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस
ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ वॉटर। सो इन दिस केस हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल फॉर्म वॉटर। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी क्या है, दो रिएक्टेंट है, और ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। सो नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझने से पहले एक टर्म आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि वॉट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है बेसिकली, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था, प्रोडक्शन ऑफ स्लेक लाइम, मींस इन दिस कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो इन दिस रिएक्शन जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। इन दिस रिएक्शन बेसिकली कह सकते हैं कि हीट रिलीज होती है। तो जो ये रिएक्शन हुई ये कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दैट ये था फर्स्ट था हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्लेक लाइम। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सो इन दिस नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी, CH4, दैट इज मीथेन। कौन सी होती है हमारी नेचुरल गैस, मीथेन, दैट इज CH4। सो मीथेन React with oxygen, methane react with oxygen, it will form carbon dioxide plus water. So in this case heat energy is released. इसमें भी क्या होता है, इस reaction में भी क्या होता है, large amount of heat energy क्या होती है, produce होती है, जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, that is known as exothermic reaction. That is known as exothermic reaction. But ये combination reaction नहीं है। क्यों नहीं है ये combination reaction? क्योंकि ये combination reaction नहीं है, क्योंकि इसमें कितने product form हो रहे हैं, इसमें हमारे दो product form हो रहे हैं, तो ये किसका, ये combination reaction का example नहीं है। So in exothermic reaction जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ही क्या कहते हैं हम, सॉरी उसे ही क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्या है, कुछ केसेस में वो किसके किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल है। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन हमने एग्जांपल देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ स्लेक लाइम, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इस केस में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से जैसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये किसका भी है, एक्सोथर्मिक के साथ साथ दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस
नेचुरल गैस कौन सी होती है? हमारी मीथेन। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो यहीं से क्वेश्चन आता है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है एक ऐसी रिएक्शन है कि जो सिंपल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस में। तो इस रिएक्शन के दौरान पे क्या होता है, हीट को ये अब्सॉर्ब करते हैं, रिलीज नहीं करते। तो जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मोर देन वन प्रोडक्ट में, सो दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट से दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेसिकली? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेक डाउन इंटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस केस क्या हुआ? कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए? टू प्रोडक्ट। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक और रिएक्शन कैसी है? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि ये क्या करती है? हीट को ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है इन सर्टेन केसेस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसी है हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर टाइप्स डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।